मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति दें और सबकी मनोकामना पूरी करें। तो अभी फिलहाल मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, मम्मी भी कर चुकी है और मम्मी अब बनाने लगी हैं चाय। और यहाँ आलू बॉयल करके मम्मी ने रख दिए थे। फिलहाल मैं खाली चाय पी के जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना हॉस्पिटल, आज अम्मा जी के आँख का ऑपरेशन है। तो मामा का जो बेटा है, आपने देखा होगा ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, कि मैं मामा के बेटे के पास छोड़ कर आई थी उनको। तो वो मामा का जो बेटा है वो उनको सीधे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया है और मैं भी अभी चाय पी के मैं भी निकल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली है और अब मैं निकल चुकी हूँ। धूप काफ़ी तेज है, देखिए धूप ही धूप है। और अमन जो है वो मामा का बेटा, अमन, उसका नाम अमन है। तो अमन पहुंच चुके हैं और वहीं पर हॉस्पिटल में ही है, मैं भी पहुंच रही हूँ। ऑटो मिल जाए जल्दी से बस। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ और अमन यहाँ अम्मा जी को लेकर आ चुके हैं। अम्मा डर तो नहीं लगा था? डर तो नहीं लागत है? हाँ है, डर लागत का है, डर लागत। एक बार हो चुका है ना? हाँ, डर नहीं। तो फाइनली इतनी देर वेट करने के बाद में अम्मा ऑपरेशन के लिए जा चुकी हैं। आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे बाद अभी उनका जो भी है वो हो जाएगा ऑपरेशन वगैरह। उसके बाद में फिर थोड़ी देर उनको यहाँ फिर लेटना पड़ेगा। कम से कम कई प्रोसीजर है, 3-4 बार दवा तो आँख में डाली गई है, उसके बाद फिर चेकअप हुआ है, फिर दवा डाली गई है। तो इसी प्रोसीजर को लगने में कम से कम 2 घंटे बीत गए हैं। अब फिलहाल वो अंदर चली गई हैं, आधे घंटे बाद निकलेंगे। उसके बाद में आप लोगों से मिलेंगे, अम्मा के साथ मिलेंगे। ब्लॉग में आप सभी लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ अम्मा का ऑपरेशन हो चुका है। अभी इसको खिला सकते हैं ना? तो सुबह से वेट करते करते 2:30 बज चुके हैं और हो चुकी है छुट्टी अम्मा की। आराम से सब कुछ हो गया, कल मॉर्निंग में आना पड़ेगा। चलिए घर पहुँचते हैं, आराम से हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और मम्मी ने बना लिए हैं आलू, क्योंकि सबका फास्ट है। तो आलू मम्मी ने बना लिए हैं और चाय बना दी है, तो हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह सब लोग कुछ भी नहीं खा के निकले थे, है ना बाबा? और मैं इनको बाबा बाबा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये इनका निकनेम है। वैसे इनका नाम अमन है और अम्मा को भी डॉक्टर ने बोला है कि हम लोग खिला पिला सकते हैं, तो अम्मा भी आलू खा रही है। और ये रहे उज्जवल, उज्जवल सो रहे हैं। उज्जवल को पता ही नहीं कि घर में कौन कौन आया है। चलिए खा लेते हैं, खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और शाम के बजने वाले हैं 6, मतलब 5:30 बजे हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा फल फ्रूट खाया है और तो अमन जा रहे हैं भैया, क्योंकि सार्थक की तबीयत ठीक नहीं है। तो इधर तो जाना रहे, सीधे सीधा सीधा
हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय बे गौरी। तो अमन के जाने के बाद मैंने स्नान वगैरह किया और अभी मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबको खुश रखें, सबको प्रसन्न रखें, सबके घरों में बरकत दें, सबकी मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा व्रत के लिए कुछ बनाने के लिए। तो साबूदाने की खीर मैं बना चुकी हूँ, एकदम सिंपल सी है, कुछ मेवा वगैरह नहीं पड़ा है क्योंकि अम्मा खाएंगी और पार्थ को खाना होगा तो खा लेंगे, मैं भी थोड़ी सी खा लूँगी। अम्मा के लिए एक्चुअली बनानी, इसलिए मेवा वगैरह कुछ नहीं डाला है क्योंकि अम्मा के दांत नहीं है। और ये देखिए हाय करने, जय माता दी बोलो, छुपे जा रहे हैं, तुम कुछ मत बोलो, तुम शरारती हो रहे हो। और अभी मैं जा रही हूँ साबूदाना बड़ा बनाने के लिए और ये थोड़ा सा रखा है, इसकी तहरी बना लूँगी और इसका साबूदाना बड़ा बनाऊँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च, हरी धनिया और नमक, आलू और साबूदाना, सिर्फ इतना ही डाला है। अब इसके गोल गोल बड़े बना लेते हैं और तेल में तल लेते हैं। और अम्मा को भी क्योंकि दवा खानी है तो इसलिए फटाफट बना लेते हैं। लाइट बहुत बार आ जा रही है, लाइट कब की बहुत कल से परेशान कर रही है लाइट, तो अभी भी लाइट चली गई थी और मौसी की कॉल भी आ गई थी तो मैं उसको रिसीव करने लगी, इसलिए मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि इसी फ़ोन से सारे काम मेरे होते हैं, इसी फ़ोन से कॉल रिसीव होती है, इसी फ़ोन से सब कुछ है, टू जेड सारे काम इसी फ़ोन से होने हैं। तो चलिए बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। साबूदाने के बड़े देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, एकदम बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम नरम है ये। और यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर टमाटर है, धनिया है और थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाला है, हरी मिर्च है और नमक डाल दिया। अब ये जो मूंगफली के दाने हैं इनको डालकर मैं इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो साबूदाना बचा था उसकी मैंने तहरी बना ली है और ये साबूदाने की खीर जो कि सिंपल सी बनी हुई है। तो टमाटर की चटनी बना लेते हैं, उसके बाद में थाली लगाते हैं। अरन क्या ले, क्या बाबू पैर दबा रहे हो अम्मा जी के? अरे वाह, नानी के मेरा बच्चा, जोर जोर से दबाओ। अरे तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लगा ली अपनी फलाहारी व्रत थाली और ये साबूदाना बड़ा और ये मूंगफली, टमाटर और धनिया की चटनी है। थोड़ा सा मैंने पतली ही बनाई है, मम्मी ने बोला पतली ही बनाओ, खाने में टेस्टी लगेगी। और ये जो साबूदाने की खीर मैंने बनाई थी, खीर सिंपल सी बनाई थी, बस मेवे थोड़ा मैंने गार्निश किए हैं ऊपर से। तो कैसी रही हमारी आज की जो व्रत की फलाहार थाली है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस करो मम्मी, आज होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का होने जा रहा है डिनर, व्रत वाला डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का यही एंड करते हैं। चमचा चाहिए उनको। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग भी जा रहे हैं अपना डिनर करने, मम्मी खा रही है, अम्मा देखिए खा ही रही है। तो चलिए खा लेते हैं और ये भी बर्तन वगैरह भी साफ करने हैं, कल स्कूल के लिए भी निकलना है। और ये पार्थ यहाँ पे खा रहा है, टेस्टी है। मम्मी
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। बापू बोलो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बोलो। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि।